अलहमदुल्ला यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं और अभी तो कुछ नज़र नहीं आया। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस बैरियर टाउन ने जो बनना है अगले 4-5 सालों में, तो लोग हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर सईद और आज एक मरतबा फिर एजे एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से हम आपको बहरिया की वो मशहूर शख्सियत जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और साथ साथ में ये भी बता चलें कि इनका ताल्लुक बहरिया टाउन के साथ इतना पुराना जुड़ा हुआ है कि आज हम सबसे पहले तो अर्शद साहब का शुक्र गुजार करते हैं कि सर थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को जो है वो बहरिया के अकॉर्डिंगली कुछ इंसाइट्स भी आज के एपिसोड में पता चल जाएंगी कि क्या बेसिकली मामला चल रहे हैं, क्या टाइम चल रहा है, कौन सा टाइम बेस्ट रहना चाहिए। और सबसे पहले सर आप हमें जो है वो अपने इंडस के पूरे परिवार जो आपका एक फैमिली है ठीक है उसके बारे में बताएं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं ठीक है, कि माशाल्लाह से आपके भी जो है वो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप इनिशिएटिव ले चुके हैं उनका, और उसका क्या फ्यूचर है और क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा बहरिया टाउन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जुड़े हुए 2004-5 से मैं बहरिया मैंने ज्वाइन किया था इस्लामाबाद राजौरी, तो वहाँ से हम मैंने अपने मतलब मैट्रिक में था तो अपने मेरा बिलोंग फ्रॉम सीनियोट तो मैं चला गया डायरेक्टली बहरिया टाउन और वहाँ से फिर ये सफ़र हमारा शुरू हो जारी, और इंशाल्लाह ये बहरिया टाउन के साथ जारी रहेगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम से अपने इदारे से बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं और फ़ख्र फील करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के साथ जितने लोग जुड़े हैं अगर आप बहरिया टाउन की हिस्ट्री निकालें तो जितने भी लोग जुड़े हैं वो बहुत नीचे से आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब जो है ना जो भी लगे हैं स्टोरी जो है वो उनकी जिन्होंने मेहनत की है, जो लगन के साथ, शौक के साथ, ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ जो लगे रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कुछ पाया है, कुछ खोया नहीं, बहुत कुछ पाया है। तो ये जर्नी है, मतलब अभी 2016 में मैं यहाँ पे आ गए थे बहरिया टाउन कराची, और तब से जो है ना वो ये जो है ना काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन का। और अभी ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा बहरिया टाउन पिंडी या बहरिया टाउन लाहौर इसके मुकाबले में बहुत छोटे प्रोजेक्ट हैं, ये बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, अगर हम इसको कहें कि ये एक सिटी भी नहीं है, इसको कंट्री अगर हम कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मतलब इसके अंदर भी ये 40 किलोमीटर के अंदर तक हम जा सकते हैं, किसी भी सिटी में कराची के अलावा इतना डिस्टेंस पॉसिबल नहीं, मतलब इतने डिस्टेंस के अंदर आबादी और एक इतने डिस्टेंस के अंदर एक सिटी का बन जाना या टाउन का बन जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं और अभी तो कुछ नज़र नहीं आया। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस बहरिया टाउन ने जो बनना है अगले 4-5 सालों में, तो लोग हैरान हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि लाइक दुबई, टर्की, इस्तांबुल, बिल्कुल उसकी तर्ज की ये प्लानिंग हो रही है और बिना वीजे के। हाँ, यहाँ पे कोई आपको वीजा भी लेना नहीं पड़ता। नहीं नहीं, हमारा अपना मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र है कि हम जाके जब दुबई जाते हैं या यूरोप कंट्रीज या इस्तांबुल साइड पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार काश हमारा मुल्क भी ऐसा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फख्र से कह सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची जो है वो उसी तर्ज पे कोशिश कर रहे हैं कि उस पे तर्ज पे या उससे आगे या उसको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अर्शद साहब, हम बेसिकली आपका टाइम इसी वजह से चाह रहे थे अपने व्यूअर्स के लिए भी कि आपने बहुत ही एक ना मतलब क्लोज इनफ बहरिया के साथ रह के और इतना लंबा सफ़र जो है वो आपने यहाँ तक आज आप आए हैं, तो हम यही बताना चाहते हैं कि जो बहरिया के प्लेयर्स हैं ठीक है जिनमें से आप एक हैं, तो हम यही बताना चाहते हैं कि वो क्या प्लान जो है जो आप लोग के माइंडसेट में जो आप डिलीवर कर रहे हैं
स्टेप बाय स्टेप जो आप लोग डिलीवर कर रहे हैं और आपने अभी एक पीरियड भी बताया, तो उसके हिसाब से आप क्या कहते हैं? क्योंकि बाहर अगर हम इस गेट से बाहर जाते हैं ना, तो हमें बहुत सी ऐसी रूमर्स का सामना करना पड़ता है एज अ लेमैन कि बैरिया में तो ये हो गया, बैरिया में ऐसा हो गया, बैरिया जो है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है, ठीक है, और आज बैरिया का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि आप अपने एक एक्सपीरियंस के हिसाब से एक इनको व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहें कि जिसमें उनकी जो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, उसमें बहुत सारा आपका ओवरसीज हमारी फैमिली का पार्ट आ जाता है, हमारे वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से हर बंदे से कोई ना कोई लोग जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो सरमायाकारी है, उसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं आपको बैरियर टाउन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं, एशिया में भी नहीं, बल्कि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बन चुका है ये बैरियर टाउन कराची। और बैरियर टाउन का जो नाम है वो ऐसे नहीं बना, बैरियर टाउन ने डिलीवर किया है। बिल्कुल, बैरियर टाउन ने अपने कस्टमर्स के साथ किए हुए वादों को निभाया है। मतलब ये बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं कराची में, आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा जानते हैं, सैकड़ों की तादाद में सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने सोसाइटीज़ लॉन्च की, लोगों से पैसे लिए, मगर आज तक डिलीवरी नहीं हुई। अब भी मैं कल ही शहर में एक जगह गया हूँ, तो वो उस सोसाइटी को लॉन्च हुए 40 साल हो गए, 40 साल में अभी तक कुछ भी एक घर नहीं बन सका। तो बैरियर टाउन की सबसे बड़ी जो साख है ना, वो उसका नाम है, वो उसका ब्रांड है। बैरियर टाउन कभी भी अपने कस्टमर्स के लिए कभी ऐसा नहीं करता कि उनका नुकसान हो। ये जो यहाँ पे कुछ मसले मसाइल हुए बैरियर टाउन में, वो एक क्राइसिस आया, मतलब वो एक बहुत बड़े लेवल, वो एक चंक होता है जो कि हर किसी जगह पे आप चले जाएं तो आपको प्रोज एंड कॉन्स तो सब फेस करने को ही मिलते हैं। जी, कोर्ट का मैटर बना जी, उसके बावजूद मतलब देखे ना, लोग इस तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, मैं कहता हूँ आप तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ जाएं कि अगर बैरियर टाउन की जगह कोई और इदारा होता तो शायद ये आज यहाँ पे बैरियर टाउन ना होता, या कोई भी और सोसाइटी होती तो होती नहीं, हम यहाँ बैठे ना होते। बैरियर टाउन ने इतनी बड़ी ज़मीन निकल जाने के बावजूद, लाखों की हज़ारों की तादाद में सॉरी प्लाट आउट ऑफ बाउंड्री जाने के बावजूद बैरियर टाउन सुप्रीम कोर्ट को भी पैसे दे रहा है, उन लोगों को भी पैसे दे रहा है, उनको एडजस्ट भी कर रहा है और उनको फेस भी कर रहा है। बिल्कुल, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने, बहुत बड़ी मिसालें हैं कि लोग भाग गए, लोग चले गए, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर टाउन के ऊपर ये सवाल करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम जब यहाँ आए थे स्टार्ट में 2015-16 में, तो उस टाइम ये प्रिसिन वन का प्लॉट था 40-45 बिल्कुल ऐसे, तो लोग उस टाइम भी ये कह रहे थे कि क्या होगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो हम कह रहे थे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये होगा और ये करके दिखाया। आप लोगों ने उस टाइम भी एतमाद जो है वो लोगों को दिया। बिल्कुल, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वही ये 40-45 लाख वाला प्लॉट बैंक पे प्रिसिन वन में ये हो चुका है कोई 2 करोड़ के करीब। बिल्कुल ऐसे, तो मतलब ये है कि बैरियर टाउन के ऊपर सबसे बड़ा आपको बेनिफिट पता क्या है, वो ये है कि आपको एक ही छतरी के नीचे एक ही विंडो के ऊपर हर चीज़ मिलेगी। आप बैरियर टाउन के किसी डिपार्टमेंट में जाएं, कहीं कोई आपको पैसे नहीं देने, कहीं आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, और कहीं आपको तंग नहीं किया जाएगा, कहीं आपसे रिश्वत नहीं मांगी जाएगी। आप, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मेरा एक 25 मंजिला प्रोजेक्ट है, हम उसको भी कवर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मतलब ये किसी जगह, मतलब आप खुद शायद इस बात के किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि हम भी काफी टाइम से जो है वो बैरिया के ऑफिस के मामला को कवर करते हुए आते हैं, क्योंकि हम भी इस मार्केट का पार्ट है, तो हमारे साथ भी कोई इस तरीके का जो है वो एविडेंस हमें जो है वो लॉक नहीं करना पड़ा कि हमने किसी को जो है वो पे ऑफ किया है, या कोई हमारी फाइल रोक के बैठा हुआ है, प्रोविजन के लिए रुका रहा है, ठीक है, चाहे वो सॉरी 50 लाख रुपए का प्लॉट हो या 50 करोड़ रुपए का प्लॉट हो, आपको उसी विंडो पे जाके जो है वो सारे दस्तावेज मिल जाते हैं उसके। बिल्कुल इसी तरीके से। तो सर थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को ये बहुत एक अहम जो है वो नॉलेज थी जो कि हमारे एसोसिएट्स का, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और इसी तरीके से हमारे ऊपर जो है वो हाथ रखे रहें। ओके व्यूअर्स, तो ये थे मिस्टर मलिक अरशद साहब, जिन्होंने हमें अपना बहुत ही कीमती टाइम जो है वो आप लोगों के लिए निकाल के दिया, और इस एपिसोड में आई होप कि आपके बहुत सारे माइंडसेट्स जो है वो उसमें चेंज हो गए होंगे जहां पर बातें चल रही होंगी। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इनके प्रोजेक्ट को भी शूट करेंगे और उसमें क्या वैरायटी ऑफ फॉर्म ये लेकर आ रहे हैं यहाँ की एक एक्सपर्ट लिविंग के हवाले से, और इसी के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो एक जनरल आपके प्रोजेक्ट्स में सारी चीज़ें होती हैं,
तो वो उसकी क्या एलिवेशंस हैं, उसका क्या मटेरियल है, उसका क्या स्कोप है और इनकी क्या सर्विसेज हैं जो कि इंडस एम्पायर के थ्रू आपको मिलती हैं। तो हमारे एपिसोड को लाइक करते रहें, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।